सपा की वरिष्ठ नेता के द्वारा जिले के कई सपा नेताओं पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. एस टी हसन का टिकट कटने के बाद सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता बाबर खान के द्वारा सपा नेताओं के साथ मीटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉ. एस टी हसन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा गया है। बाबर खान के द्वारा मीटिंग के अंदर कहा गया है, पहले तो पार्टी के द्वारा आपको महापौर बनवाया गया, उसके बाद एमपी का टिकट दिया गया, लेकिन आपका एक बयान ऐसा आया जिससे सबको अफसोस हुआ है। आपके द्वारा कहा गया सपा कार्यालय में आरएसएस के एजेंट बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपका बयान गलत है, जिसको लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए बाबर खान ने सपा के पूर्व सांसद से नाराजगी जाहिर की दी है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम लोगों से उनके विचार जान गए थे। मीटिंग के अंदर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबर खान के द्वारा मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन पर जमकर निशाना साधा गया है। जल्दी जेल से निकाले ऊपर वाला और ये मुकदमे समाज दो, कितना अफसोस की बात है। चार बार मंत्री रहा, दो बार एमपी रहा, 10 बार एमएलए रहा, वो मुर्गी चोर बकरी चोर, कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा मुंह पे तमाचा है राजनीति के। मगर अफसोस हमें इस बात का है, जो नेता बैठे हैं दिल्ली में, लखनऊ में, समाजवादी से हट के नेताओं का एक दल होता है, एकदम जुट खड़े होने चाहिए थे और सब लोग, मतलब ये कहते हैं कि भी आजम खान के साथ जाती है, समाजवादी तो है ही, अखिलेश यादव हमें मालूम है, कोई कहे नहीं कहे, अखिलेश यादव क्या कोशिश कर रहे हैं आजम खान के, नहीं है वो कह नहीं रहे, काम कर रहे हर हजरत। तो पहले जनता आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम जहानुल्लाह खान है, मैं समाजवादी का छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। आज आजम खान साहब का जन्मदिन था आपके यहाँ घर पे, आपको कौन सा जन्मदिन था? आज आजम खान साहब का 76वां जन्मदिन है और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक अफसोस की बात भी है कि वो पूरा परिवार आज की तारीख में, आजम खान साहब का पूरा परिवार, आज हमारी आंटी आजम खान साहब की वाइफ जेल से छूट के काफ़ी दिन हो गए छूटे हुए, उन्हें काट दो यार जेल जाएंगे पढ़ना उसको लेकर। देखिए, मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और ज़िला और महानगर वासियों को सबको स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। कल आज देश की आज़ादी का दिन है और देश आज़ाद हुआ था और आगने वाले टाइम में भी खुशियां मनाते रहेंगे देश के लिए। दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जहानुल्लाह खान है, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। अच्छा, आज आजम खान साहब का जन्मदिन था, वो भी आपके घर पे था, और कौन सा जन्मदिन था? आज आजम खान साहब का 76वां जन्मदिन था और बहुत खुशी की बात भी है कि 14 अगस्त को उनका जन्मदिन हर साल मनाया जाता है, मगर अब के साल हम अफसोस जाहिर कर रहे हैं क्योंकि वो जेल में है। तो लिहाजा समाजवादी कार्यकर्ताओं से और जितने भी, मतलब उनके चाहने वाले हैं आजम खान साहब के, आजमवादी लोग हैं, तो उन लोगों सबसे मैं ये कहूँगा कि आने वाला टाइम आप ही का है, आजम खान साहब जल्द बाहर आएंगे और इसकी खुशियाँ मनाएंगे। जयवीर सिंह बात को आए थे, ये बता दो आप मुझे, जब टिकट कटा कटते हैं हमारा, हमने टिकट मांगा नहीं मिला, एसटीएसएन साहब को लड़ा दिया, हमने टिकट एमएलए का नहीं मांगा, नासिर रशीद साहब को लड़ा दिया, क्यों? पार्टी का आदेश, हम पार्टी के सिपाही। मगर अफसोस की बात है, जब आपका टिकट कटा, क्या क्या गंगी फैलाई आपने मीडिया में, कि राज, मतलब समाजवादी के दफ्तर में आरएसएस के लोग बैठे हैं, आपको शर्म नहीं आई? आपको 3 टिकट समाजवादी ने दिए, आपको मेयर बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, बहुत बड़ी चीज होती है, आपने सोचा ही नहीं। अब बीजेपी से भाग रहे हम लोग, हम कब कह रहे हैं रहो समाजवादी में। मेरी आपसे गुजारिश ये है, जब एक जगह जब पत्थर रहता वही भारी होता है। जिगर कुछ हो रहा है, हमारी इज्जत करते हैं सब लोग हैं। हम आपसे एक बात कहते हैं,
वरिष्ठ नेता बाबर खान साहब के यहाँ, आदरणीय आजम खान साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी समाजवादी पार्टी के साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं सभी अपने सम्मानित साथी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, बहुत काफ़ी डिटेल में सभी साथियों ने बता दिया है, बोल दिया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य आदरणीय आजम खान साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना और दुआ करूँगा कि वो जल्द से जल्द जो जितने भी फर्जी मुकदमे इस भाजपा की सरकार में 5 साल 6 साल हो गए लगभग माननीय आजम खान साहब को, आजम खान साहब के परिवार पर जो उत्पीड़न हुआ है, तमाम फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं जिनका कोई जनाधान नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे मुकदमे लगा दिए हैं जो कि आम लोगों पर भी नहीं लगाए जा सकते। इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी बराबर लड़ रहे हैं, बराबर हर जगह पैरवी कर रहे हैं। जितना है समाजवादी का पूरा परिवार आदरणीय आजम खान साहब के साथ है, चाहे निचला कार्यकर्ता हो, समाजवादी पार्टी का एक एक साथी उनकी लड़ाई में शामिल है। ज़ियान शमसी साहब कितने वर्षों से आप समाजवादी में हैं? जी, मैं पिछले 2013 से समाजवादी के अंदर हूँ और बराबर मेहनत करता हुआ आया हूँ मैं समाजवादी के अंदर। और पिछले दौर में मैं अब से 2017-18 में मैं नगर उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और मैंने समाजवादी का नगर निगम का चुनाव भी लड़ा था। आज जो कहाँ हैं आप? जी, मैं आज बाबर खान साहब, इनके लड़के जो हैं खान साहब, उनके वहाँ आदम खान जी का बर्थडे मनाना का प्रोग्राम बना था, तो केक तो कटा नहीं मगर प्रोग्राम पूरा चला। क्या वजह रही ऐसी जो केक नहीं कटा? जी, वो पिछले काफ़ी टाइम से जेल में हैं, उनके ऊपर ये बीजेपी सरकार ने मुकदमे लगा दिए, भेज चोरी, किताब चोरी, पता नहीं कौन कौन से कई मैं बता नहीं सकता, वह गिनती मुकदमे लगा दिए, उल्टे सीधे मुकदमे लगा दिए उनके ऊपर। क्या सोच रहे हैं मन में? अब 2027 भी आएगा और 10 सीटों पर वैसे भी चुनाव है, तो क्या कर पाएगी समाजवादी? जी, जैसे ही हमने MP की सीट पे देखना, आप नंबर 1 पर हमारी पार्टी समाजवादी रही है और ऐसी 27 में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 पर पार्टी आएगी और बड़ी से बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें से बहुमत से साथ जीतेगी।